शहर हैदराबाद में टीआरएस हुकूमत का पुलिस को जबरदस्त छूट देना और महकमे पुलिस का समाज की बुराइयों पर अपना शिकंजा कसना आखिरकार आज रंग ला ही गया। खबर है कि हबीबनगर पुलिस स्टेशन में आज रातों में चोरियां करने और आवाम को लूटने वाले करीब 8 टोलियों के 25 लोगों ने अपने आप को खुद सुपुर्द कर दिया। चलिए भाई, बड़ा अच्छा हुआ कि मुजरिमों ने खुद बखुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कम अज कम इससे ये तो होगा कि पुलिस की मार से बच जाएंगे, जो कि सारे भारत में आज बहुत मशहूर है। बहुत चेंज आ गया। मांगार बस्ती अपना बहुत साल से ये बस्ती में जो ये लोगों हैं पूरा पिक पॉकेटिंग करना और जो जो अटेंशन डाइवर्शन करना और ट्रैवलिंग करिस और समय में उनका जो स्नैचिंग करना ऐसा ऑफेंसेस में बहुत इन्वॉल्व हुआ। बहुत साल उनका जीवनाधार भी हुई है, जो उसमें उनके वो लोगों में चेंज लाने के लिए हमारा हबीबनगर पुलिस बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। वो लोगों पे काउंसलिंग भी करे और उनका पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करे, उनका पूरा फैमिली मेंबर्स भी काउंसलिंग करने के बाद जो आज 25 अफेंडर्स जो आठ इम्पॉर्टेंट गैंग का जो अफेंडर्स आज सरेंडर हुआ। अपना कोर्ट केसेस में देखे तो हैदराबाद साइबराबाद राजकुंडा मिलके 194 वारंट्स उनके ऊपर पेंडिंग है, जो खाली हैदराबाद में 108 वारंट्स वो लोगों के ऊपर पेंडिंग है। जो थोड़ा केसेस में लोगों बहुत दिन से अटेंड हो रहा, थोड़ा लोगों से थोड़ा दिन नहीं हुआ, उसके ऊपर 105 वारंट्स भी वो लोगों हमको हमारे से बात करने के बाद वो लोगों का एडवोकेट से बात करके वो पूरा रिकॉर्ड भी कर लिया। जो इसमें अपस्टैंडिंग बताया सो थोड़ा अभी केसेस है, 34 केसेस है, ये 25 लोगों के ऊपर 34 केसेस जो अपस्टैंडिंग चार्जशीट बन के डाल दिए थे, वो 34 केस में अभी वो लोगों को कोर्ट को भेजने का है। जब उन्हें रिमांड होने के बाद फिर बाद में शूटिंग से रिलीज हो जाएगा। वो पूरा केसेस भी उन लोगों का परिवर्तन आया बोल के उन लोगों को बता के फिर ये पूरा फाइनली क्लोज करते वो लोगों हमारे को प्रॉमिस करे और पूरा अपना प्रेस वालों से भी प्रॉमिस करे, फिर अगले ये दोबारा हम ऑफेंसेस नहीं करेगा। हमारे सोसाइटी में हमारा समाज में पूरा चेंज आने के आना, जो हमारे के लिए गवर्नमेंट भी अपना पुलिस में बहुत हेल्प कर रहा, जो जरूर चेंज हो तुम साहब बल्कि वो लोगों को बताया। इससे पहले वो लोगों बहुत वो लोगों का भी जो जो मनी लेंडर्स से प्रॉब्लम थे, वो मनी लेंडर्स का प्रॉब्लम जो इलेंस ऑफेंसेस कराने के लिए मनी लेंडर्स करते थे, जो वो लोगों को हम पहला वार्निंग देने के बाद मनी लेंडर्स को उनका उन्होंने काम पर बंद कर दिए। बंद करने के बाद ये लोगों को भी हम बताया आपको अच्छा गवर्नमेंट में अच्छा जॉब्स भी है, बड़ा बड़ा कंपनीज नैक आपको ट्रेनिंग देके जो बड़ा बड़ा कंपनीज में आपको महीने के 15,000-20,000 ऐसा जॉब मिलने का चांस भी रहता है। वो लोगों को बोलने के बाद वो लोगों में चेंज भी आ गया। आज पूरा 25 अफेंडर्स भी जो ऑफेंसेस करे सो लोगों भी पूरा सरेंडर हुआ। वो लोगों को भी वो लोगों का फैमिलीज को भी हम अच्छा काउंसलिंग मेरे करें, वो लोगों भी बताया जरूर आपको अच्छा जो अपॉर्चुनिटी आए सो समय में अच्छा कंपनीज में आपको दिला तुम बल्क में हमें बोला और वो लोगों को परिवर्तन लाने के लिए बहुत बोले थे। अगर आपका फैमिली पूरा यही काम करे तो आपका भी समाज में अच्छा नहीं दिखता, आपका भविष्य की खराब हो जाएगा। वो बोलने के बाद ये चेंज भी उसमें आके आज समय में टोटल 25 अफेंडर्स है, ये आज सरेंडर हुए उस लोगों वो लोगों के ऊपर 36 वारंट्स अभी पेंडिंग है, जो 105 वारंट्स में वो लोगों निकाल कर दिए, जो 36 से अपस्टैंडिंग बोल के रखे सो वो 30 पुलिस स्टेशन का केसेस है। 30 पुलिस स्टेशन का केसेस 25 पर्सन के ऊपर 34 वारंट्स अभी पेंडिंग है,
बोलों को भी अभी कोर्ट को भी भेजा दे, जो कोर्ट हुकूमत से फिर हैदराबाद कमिश्नरेट में पूरा 108 वारंट पेंडिंग है, वो 108 वारंट्स पे भी अभी रिकॉल भी कर लिए, उसमें थोड़ा दिन अटेंड होके थोड़ा दिन नहीं अटेंड होके थोड़ा रहते ना, वो केसेस में कोर्ट वाले रिकॉल कर दिए, जो उनको अरेस्ट ही नहीं करा उनके ऊपर केस है, वो केसेस में कोर्ट को भेजा दे, कोर्ट जेल को भेज दे, फिर बाद में वो लोगों को बाहर आ जाते, बाहर आने के बाद ये केसेस भी वो लोगों अगर अच्छा है तो भी हम लोकअदालत में कॉम्प्रोमाइज करा के उनको निकाल देते, जो ये लोग अच्छा दिए तो वो गवर्नमेंट से जो रिहैबिलिटेशन देते हैं कुछ अच्छा, वो लोगों को कुछ जॉब दिलाने में हम भी कोशिश करते हैं।